Morning dear learners, today I welcome you in this first session of Managerial Economics. मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम अलग अलग एरियाज पे बात करेंगे, लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ने से पहले हम मूव करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में कि हाउ सोसाइटी हैज इवॉल्व, किस तरीके से सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से सोसाइटी बनी, फिर हमें क्यों इकोनॉमिक्स की आवश्यकता पड़ी, क्या वेरिएबल्स हैं जो हमें इकोनॉमिक्स को समझने में पढ़ने में आवश्यक होते हैं, और किस तरीके से फिर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं. तो स्टार्टिंग विद द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी. इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी टेक्स प्लेस इन थ्री फेज. द फर्स्ट फेज इज एग्रीकल्चरल वेव, इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल वेव. दूसरा होता है इंडस्ट्रियल वेव, और तीसरा है आईटी वेव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. किस तरीके से हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई? शुरुआती दौर में जब हमारी सोसाइटी में ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हुआ करते थे या रिसोर्सेज नहीं होते थे, तब आदमी अपने आप पे ही सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करता था. किस तरीके से? जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी फूड ग्रेन की आवश्यकता थी, या किसी भी शेल्टर की आवश्यकता थी, या कोई खाने की जरूरत या पहनने की जरूरत, तो वो उन सारी जरूरतों को अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद पूरा करता था. सोसाइटी इवॉल्व हुई, इंसान इवॉल्व हुआ. सबसे पहले इंसान हुआ एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी में डेवलप. जैसे गंगेज प्लेन्स है, गंगा का जो किनारा है वो सबसे ज्यादा उर्वरक माना जाता है. तो इंसान ने शुरुआती दौर में क्या किया कि एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी में कन्वर्ट होने के लिए वो सारे एरियाज आइडेंटिफाई किए जहाँ पे वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्शन कर सकता है, या खेती कर सकता है, या फसल उगा सकता है. तो हर व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रोड्यूस करता था, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो किसी और तरीके का प्रोडक्शन हो. तो आज भी खुद ही धान उगाता, खुद ही गेहूं उगाता, खुद ही चावल उगाता और अपनी जरूरतों को पूरा करता. इस तरीके से सोसाइटी चल रही थी, लेकिन हर आदमी अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने में कैपेबल नहीं था. तो इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग स्ट्राटा ने अपनी जरूरतों को डिवाइड कर दिया. कोई कॉबलर बन गया, किसी ने कपड़े का काम करना शुरू किया, किसी ने खेती का काम करना शुरू किया. इसी तरीके से अलग अलग काम अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए. अब वो सब लोग एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने लगे. जैसे कि एक आदमी ने खेती करी, उसने धान उगाया, एक आदमी ने चावल उगाया, एक आदमी ने कपड़े बनाए, एक आदमी ने लोहे का काम किया, एक आदमी ने लकड़ी का काम किया. फिर उन सब लोगों ने अपनी सारी चीज़ों को आपस में एक्सचेंज कर लिया होगा. नाउ आई नो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिसे शुरुआती दौर में हम लोग बार्टर सिस्टम कहा करते थे. आप सब लोगों ने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा कि एक्चुअल में बार्टर सिस्टम क्या था. एक बार्टर सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स. तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि जब हमारी सोसाइटी शुरुआती दौर में इवॉल्व हो रही थी और वो एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी का फॉर्म ले रही थी, तो एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी में हर व्यक्ति छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहा था, और इन टोटैलिटी सब लोग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे थे ताकि सोसाइटी में सब लोग एक दूसरे के साथ डेवलप हो सके. नाउ लेटर ऑन व्हेन द सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेयर्स कमिंग टू फोर्स. दो तरह के लोग थे जो सोसाइटी में आगे निकल के आए, जिस तरह की सोसाइटी का डिविजन हुआ. एक थे वो लोग जिन्हें हम कहते हैं लैंडलॉर्ड्स, और दूसरे वो थे जिन्हें हम कहते हैं टेनेंट्स. नाउ व्हाट आर लैंडलॉर्ड्स एंड व्हाट आर टेनेंट्स? लैंडलॉर्ड्स वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास जमीन का मालिकाना अधिकार होता है, जो जमीन के भूस्वामी होते हैं उन्हें हम कहते हैं लैंडलॉर्ड्स. और वो लोग जो उस खेत पे काम करते हैं, फसल उगाते हैं और उस फसल को कटाई करते हैं, वो सब कहलाते हैं टेनेंट्स. तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स. लैंडलॉर्ड्स की कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टेनेंट्स उन जमीनों पर काम किया करते हैं, और उसके बाद पैदावार होने के बाद टेनेंट्स को उनका अधिकार, चाहे वो पैसे के फॉर्म में, चाहे वो अनाज के फॉर्म में, या जिस भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच में डिसाइड हुआ है उस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दिया जाता था. तो एग्रीकल्चरल वेव में देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेयर्स. द फर्स्ट वन आर लैंडलॉर्ड्स एंड द सेकंड वन आर टेनेंट्स. टेनेंट्स आर दोस पीपल हु आर हैविंग द राइट ऑफ द लैंड, एंड लैंडलॉर्ड्स आर द पीपल हु आर हैविंग द राइट ऑफ द लैंड, एंड टेनेंट आर दोस पीपल हु आर सर्विंग ऑन दोस लैंड्स. वो अपने लेबर के बदले उन्हें कुछ ना कुछ पैसे मिल जाया करता था. लेकिन कुछ समय के बाद व्हेन द सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड, एन इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द सोसाइटी.
यानी कि धीरे धीरे करके एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस हमारी इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस की तरफ परिवर्तित होने लगी, और वो लोग जो एग्रीकल्चरल वेव वेव एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी में एग्रीकल्चरल वेव में रहा करते थे वो लोग इंडस्ट्रियल वेव की तरफ इंडस्ट्रियल बेस्ड सोसाइटी की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो गए। नाउ जब इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट होना शुरू हुआ तो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने की कैपेबिलिटी किन लोगों के पास थी? ऑब्वियसली उन्हीं लोगों के पास जिनके पास वो सारे अधिकार थे, जिन लोगों के पास पैसा था, जो लोग पूंजीपति थे। तो वो लोग जिनके पास पैसा हुआ करता था, जो लोग मालिकाना अधिकार रहते थे जमीनों का, जो लोग वो लोग थे जिनके पास पैसे थे या जो लोग कैपिटलिस्ट थे, तो दोज पीपल बिकम कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट आर दोज पीपल हु आर द ओनर ऑफ द इंडस्ट्रीज। सी हम फाइनेंशियल डेफिनेशंस में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशंस सब्जेक्ट वाइज वेरी करती हैं। कैपिटलिस्ट की डेफिनेशन जब आप फाइनेंस में पढ़ेंगे तो वो कुछ और कहलाएगी, जब आप इकोनॉमिक्स में कहेंगे तो वो कुछ और कहलाएगी। इसलिए हम इनकी एक्चुअल डेफिनेशंस के बारे में, हम सब्जेक्ट बेस्ड डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनके कंसेप्चुअल मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लैंडलॉर्ड्स जिनके पास जमीनों के मालिकाना अधिकार हुआ करते थे वो कैपिटलिस्ट बन गए और उन्होंने अलग अलग तरह की इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। वो इंडस्ट्री किसी भी फॉर्म की हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी भी सेक्टर की हो सकती है, लेकिन कैपिटलिस्ट को अपनी जमीनों में काम करने के लिए अभी भी बहुत सारे लोगों की आवश्यकता थी। और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन लोग आते? उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आते टीनेंट्स। तो दीज टीनेंट्स बिकेम वर्कर्स। तो जब एग्रीकल्चरल वेव इंडस्ट्रियल वेव में कन्वर्ट होने लगी, वो सारे लोग जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे जिनके पास जमीनों के मालिक, हेयर जमीन डज नॉट मीन ओनली लैंड, जमीन मीन्स द राइट्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द राइट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइज इनिशियली विद द लैंडलॉर्ड्स, दो दीज आर दोज पीपल हु आर हैविंग ऑल द राइट्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि बाद में बदल करके कैपिटलिस्ट बन गए। यानी इनके पास अभी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के राइट्स हैं। किस तरीके से ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे बेस्ड वो इंडस्ट्रियल वेव में बहुत मेजर रोल प्ले करना शुरू कर गए। लेकिन जो इंडस्ट्रीज इन्होंने सेटअप करी, अब इन इंडस्ट्रीज में काम कौन लोग करेंगे? तो ऑब्वियसली वो लोग सामने निकल के आए जो लोग पहले टीनेंट्स हुआ करते थे इन्हीं लैंड्स पे। यही टीनेंट्स कन्वर्ट्स इनटू वर्कर्स। अब इन लोगों ने खेती में काम करने के साथ साथ इंडस्ट्रीज में भी काम करना शुरू कर दिया। तो द टू प्लेयर्स दैट वर एग्जिस्टिंग इन द एग्रीकल्चरल वेव वर लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स, हु लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू कैपिटलिस्ट एंड वर्कर इन द इंडस्ट्रियल वेव। द थर्ड वेव इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेव, जिसपे हम आजकल चल रहे हैं। ये 1950 के बाद से आई है। इसके बारे में सामान्यतः हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, तो ये लगातार बदलती रहती है। हमारा बेसिक फोकस इन दोनों पे है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ है। नाउ अभी तक हमें पता चला कि सोसाइटी में दो मेजर प्लेयर हैं, एग्रीकल्चरल वेव में थे लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स, और इंडस्ट्रियल वेव में आए कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। एक चीज इन दोनों के बीच में और कॉमन थी, वो थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इन एग्रीकल्चरल वेव वाज लैंडलॉर्ड ओरिएंटेड, हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वाज आल्सो एम्प्लॉय ओरिएंटेड इन द इंडस्ट्रियल वेव। यानी कि अभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस था वो कैपिटलिस्ट बेस्ड था, ना कि वर्कर्स बेस्ड था। इसका मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस पे या जिस कंडीशन पे मालिक चाहता वो अपने लेबर से काम कराता, जितनी देर चाहता उतनी देर काम कराता, और जितना पेमेंट देना चाहता उतना पेमेंट देता। हालात नहीं सुधरते, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हुआ, जिस थर्ड पार्टी को हम कहते हैं, आप लोग बता सकते हैं, जिस थर्ड पार्टी को हम कहते हैं गवर्नमेंट। तो अब हमारे पास सोसाइटी में तीन मेजर प्लेयर आ गए हैं, एक है वर्कर्स, एक है कैपिटलिस्ट और एक है गवर्नमेंट। अब तीनों अपने अलग अलग तीन तरह के रोल्स प्ले करना शुरू कर रहे हैं सोसाइटी में। अब इसी सोसाइटी को हम समझते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में भी तीन तरह के प्लेयर्स हैं, एक है लैंडलॉर्ड्स जिन्हें हमने कहा वर्कर्स, जिन्हें सॉरी लैंडलॉर्ड जिन्हें हमने कहा कैपिटलिस्ट, जिनके पास सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं। दूसरे वर्कर्स यानी टीनेंट्स, जो उन फैक्टर प्रोडक्शन में काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और तीसरा प्लेयर है गवर्नमेंट, जो अलग अलग तरीके से अपनी पॉलिसीज के थ्रू सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है, इनकी गवर्नेंस को, इनकी फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करती है। तो आई सपोज कि आपको इस तरीके से यह समझ में आता है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई।
नाउ इकोनॉमिक्स पढ़ने की आवश्यकता। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, चाहे हम तेल की बात करें, चाहे हम आयरन ओर की बात करें, या किसी भी तरह के, चाहे हम पेड़ पौधों की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, तो दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि व्हाट वी वांट टू प्रोड्यूस। हम एक ही लोहे की स्टिक से एक बंदूक भी बना सकते हैं और एक चेयर भी बना सकते हैं। तो दीज आर टू चॉइसेस दैट आर अवेलेबल फॉर अस। हम चाहे तो उससे चेयर बनाएं या चाहे तो हम उससे एक रिवॉल्वर बनाएं। ये है इकोनॉमिक्स। यानी कि द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मींस जितने रिसोर्स हैं हमारी इस धरती पर वो स्केयर्स हैं, यानी कि लिमिटेड है। और द सेकेंड प्रॉब्लम इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिमांड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिमांड मींस जिस तरीके से हम सोसाइटी में आगे बढ़ रहे हैं हमारी जरूरतें भी आगे बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे पहले एक परिवार में एक साइकिल होती थी, फिर एक परिवार में एक स्कूटर होता था, फिर एक परिवार में एक कार होती थी, अब एक परिवार में चार कार होती हैं, चार मोटरसाइकिल होती हैं, चार स्कूटर होते हैं, चार स्कूटी होती है, चार साइकिल होती है। यानी कि हमारी डिमांड्स लगातार बढ़ गई है। पहले एक कार का प्रोडक्शन हो रहा था, अब चार कार का प्रोडक्शन होता है सिर्फ एक फैमिली के लिए, एक साइकिल से चार साइकिल। यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिमांड्स, हमारी डिमांड्स लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे हम उसका वेरिएबल माने पॉपुलेशन को, चाहे हम उसका रीजन माने कंज्यूमरिज्म को, चाहे हम उसका रीजन माने हमारी बढ़ती हुई डिमांड्स को। देयर कैन बी एनी रीजन, बट द प्रॉब्लम इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिमांड एंड स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कहती है कि मेरे पास तो इतना ही साधन है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिमांड कहती है कि हर आदमी इसमें से अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। तो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रिज बिटवीन दीज टू इश्यूज। इन दोनों इश्यूज के बीच में एक ब्रिज का काम करती है इकोनॉमिक्स। वो बताती है आपको कि आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को किस तरीके से एक पॉइंट पे ला करके कंसाइज करोगे, या इसको ला के मर्ज करोगे या कन्वर्ज करोगे, ताकि हम सोसाइटी की सारी जरूरतों को आज और आगे आने वाले समय में भी पूरा कर सके, जिसको हम परिभाषित करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह के। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिमांड। सो इकोनॉमिक्स ट्राइज टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस। किस तरीके से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यानी कि आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे और किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, इन तीन सवालों का जवाब बताता है, इन तीन सवालों का जवाब होता है इकोनॉमिक्स। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम चेयर बनाएंगे या रिवॉल्वर बनाएंगे, ये डिपेंड करता है हाउ टू प्रोड्यूस, हमारा प्रोडक्शन का तरीका क्या होगा, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्पोजिशन क्या होगा, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अल्टीमेटली हमारा एंड यूजर कौन होगा, क्या वो सोसाइटल बेनिफिट के लिए काम आएगा, या वो किसी इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए काम आएगा, क्या वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा या फिर वो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल चाय पत्ती। चाय पत्ती एक ऐसी चीज है जो हम घर में भी लाते हैं और जो चौराहे पे दुकान वाला है चाय वाला वो भी लेकर के आता है। तो सी, जब हम चाय पत्ती का पैकेट अपने लिए खरीदते हैं तो हमारे लिए इंडिविजुअल गुड बन जाता है, लेकिन जब वो चाय वाला उसे खरीदता है तो वो एक इंटरमीडिएट गुड बन जाता है। इंटरमीडिएट गुड किस तरीके से, हमने जब चाय पत्ती खरीदी तो अगर हमने 60 रुपए का 250 ग्राम का एक पैकेट खरीदा है तो हमने फाइनल पेमेंट कर दी, तो वी आर द कस्टमर एंड वी आर द कंज्यूमर, हम ही ने कंज्यूम कर लिया, एक बार काउंट हुआ इकोनॉमी में। लेकिन अगर उसी चाय पत्ती के पैकेट को एक आदमी बाजार से खरीद के लाया, फिर उसके बाद उसने उस चाय पत्ती से चाय बनाई और चाय बना करके 7 रुपये प्रति ग्लास के हिसाब से उस चाय को बेचना शुरू कर दिया, तो जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करेंगे यानी देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, तो वो चाय पत्ती का पैकेट अगर हाउस होल्ड खरीद रहा है तो सिर्फ एक बार काउंट होगा, लेकिन जब वो चाय पत्ती का पैकेट चाय वाला खरीद रहा है और फिर उसे चाय बना करके बेच रहा है, तो क्या नेशनल इनकम अकाउंटिंग में वही चाय का पैकेट एक बार खरीदने पर और दूसरी बार उसके बाद उससे चाय बना करके बेचने पे काउंट होगा। इस सवाल का जवाब मैं आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर में दूंगा, लेकिन ये सवाल मैंने आपके जहन में इसलिए डाला है ताकि आपको समझ में आता रहे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स के सामने आती है, जिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो आंसर करती है।
तो कमिंग बैक, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिमांड, इन सवालों का जवाब देती है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को इन सवालों का जवाब देने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज, फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? एक इकोनॉमी बहुत सारे वेरिएबल से मिलकर के बनी है, जैसे मैंने आपको तीन तो अभी बताए, लैंड, सॉरी पहला बताया मैंने आपको लैंडलॉर्ड्स यानी कि कैपिटलिस्ट यानी कि एक सेगमेंट, सेकेंड वन इज टेनेंट्स यानी कि लेबर्स यानी कि सेकेंड सेगमेंट, एंड द थर्ड इज गवर्नमेंट यानी कि तीसरी पार्टी। तो ये तीन पार्टीज तो मिलकर के हमारी सोसाइटी को बना ही रही है, लेकिन आगे जाकर के जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि कुछ और वेरिएबल्स, कुछ और रोल मॉडल्स भी हैं हमारी सोसाइटी में जो इफेक्ट कर रहे हैं सारी चीजों को। तो हियर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, हाउसहोल्ड आर वन इकोनॉमिक एजेंट, गवर्नमेंट इज अनदर इकोनॉमिक एजेंट, एंड द फर्म्स जिसे हम कैपिटलिस्ट कह रहे हैं, अब हम उन्हें एक अच्छा सा नाम दे देते हैं और वो नाम है फर्म्स। तो द फर्म्स आर द थर्ड इकोनॉमिक एजेंट। तो इंडिविजुअल स्टडी ऑफ एन सिंगल इकोनॉमिक एजेंट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल्स का क्या बिहेवियर है, हाउसहोल्ड्स का क्या बिहेवियर है, फर्म्स का क्या बिहेवियर है, गवर्नमेंट का क्या बिहेवियर है, तो वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन उसके सामने जब हम कहेंगे कि वी आर ट्राइंग टू स्टडी द होल इकोनॉमी टुगेदर, हम सारे इकोनॉमिक एजेंट्स का इफेक्ट एक का दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, तीसरे का चौथे पे, और सबका आपस में सबके इफेक्ट को एक साथ स्टडी करना चाहते हैं, तब हम उस स्टडी को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो हियर वी हैव डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू ब्रांचेस, द फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। आगे के लिए आप फर्स्ट लेक्चर का सेकेंड पार्ट जरूर देखें, उसमें आपको और चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू।